सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर फिर से मैं एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। और फिर से आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूं एक अच्छा सा वीडियो जो कि आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा या नॉलेजेबल होगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। और जो भाई हमारे चैनल में नए होंगे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों आज का जो सेटअप है, वैसे मैं इसमें डीजे प्लस का जो छोटा छोटा टॉप है DRX 350 भी उसका यूज़ किया हूं और दो सिंगल वेस का, और इसमें स्टूडियो मैन का हम लोग क्रॉस ओवर भी यूज करेंगे और अहूजा का पावरफुल एम्पलीफायर LX6 का भी यूज करेंगे। तो इसमें पूरा आप लोग को वायरिंग के साथ साथ इसमें जो फीचर्स है जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे चलता है उसके बारे में आज बात करेंगे। हम वायरिंग कनेक्शन भी आपको पूरा करके दिखाऊंगा, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। इसमें छोटा सा साउंड टेस्ट भी हम लोग करेंगे और मैं आप लोग को फिलहाल एम्पलीफायर भी दिखाता हूँ और इसका वायरिंग भी। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें मैंने डीजे प्लस का छोटा वाला टॉप यूज किया है और इसमें दो सिंगल वेस का यूज किया है जो कि मेरे पास था, लेकिन इसको फिलहाल अभी बुकिंग में नहीं चला रहा था जब से मैं HWX 26 लिया हूँ जगह। तो इसका वायरिंग वैसे पीछे से हो गया, आपको दिखाता हूँ मैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसका मॉडल और HF इस्कॉन है, एक ही जोन में इसका चल रहा है और दो टॉप इसका यूज किए हम लोग। और पीछे में कुछ इस तरह का से इसको पैरेलल कनेक्शन वायरिंग किया हूँ मैं, सिंगल वेस है 1000 वाट का। तो ये तो हो गया इधर का, अब आप लोग को लेकर चलता हूँ सीधा एम्पलीफायर के पास में। दोस्तों जैसा कि अब मैं आप लोग को लेकर आ गया हूँ एम्पलीफायर्स के पास और इसमें दिखाता हूँ। देखिए अहूजा का ये है, LX सीरीज का है, LX 6000 वाट, जो कि एकदम दमदार है, जो कि अभी 2 ओम पे 3000 आउट पर चैनल और 4 ओम पे देगा 2400 देता है शायद तक, और 8 ओम पे देगा ये 1300 ऐसे कुछ वाट देता है आउटपुट। और दोस्तों जो क्रॉस ओवर यूज किया देख सकते हैं, SLX 10 Pro 2 एक क्रॉस ओवर है और इसको मैं अलग अलग जोन पे ही यानी चैनल पे चलाऊंगा मैं। तो ये वाला जो चैनल है इसमें बेस ही चला रहा हूँ और चैनल बी पे मैं इसका चलाऊंगा आई मीन से टॉप को। तो इसका पीछे से मैं वायरिंग दिखाता हूँ आपको फिर। तो दोस्तों इसमें मैंने जो मिक्सर यूज किया है वो है डीजे प्लस का DM6V ऑडियो मिक्सर 6 चैनल का है फिलहाल मेरे पास, रिसेंटली में ही तो मैं यही यूज कर रहा हूँ। और यहाँ से लेफ्ट राइट ले रहे हैं हम लोग, तो जो लेफ्ट राइट बनेगा वो पहले आएगा अपने क्रॉस ओवर पे और क्रॉस ओवर में आने के बाद जाएगा मॉस्फेट में। तो पहले हम लोग लगाएंगे इसमें क्रॉस ओवर में। तो दोस्तों एक जो लीड था यहाँ से देख सकते हैं जो मिक्सर से अपना गया है, उसको हम लोग लिंक इनपुट कर दिए हैं चैनल ए पे, देख सकते हैं इसको मैं बेस के लिए यूज कर रहा हूँ। और जो दूसरा वाला है अपना ये रहेगा चैनल बी पे, जो कि मिड और हाई के लिए है। तो वैसे इसमें ज़्यादा कुछ तो है नहीं, आप लोग को पता ही होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ आप लोग को। देख सकते हैं दो लीड इसमें इनपुट से यहाँ से जो गया है वो हो गया ये आउटपुट पे। अब यहाँ से अपने को लेना है आउटपुट, तो अपने को मिड हाइस के लिए लेना है, तो ये वाला है मिड हाइस देख सकते हैं, और ये वाला पहला वाला लो के लिए है। तो हमने पहला वाला लगा दिया हाई वाले पे और जो कि हमारे चैनल बी पे लगा है मॉस्फेट के, तो इसमें लगा दिए उसका लीड। और इसमें से हम लोग लेंगे फिर से आउटपुट लो के लिए, तो पहला वाला है लो वाला, तो इसमें लगा दिए अपना। और इसके बाद आ गया अपने सीधा एम्पलीफायर पे, जैसे कि देख सकते हैं ये वाला चैनल ए पे अपना। तो इधर का तो पूरा वायरिंग लगभग हो ही चुका है और इसमें कुछ वैसे बचा नहीं है अब। तो दोस्तों इसमें देख सकते हैं वायरिंग, ये जो टॉप वाला है उसको मैं ये वाला से किया हूँ जो टाइट करने वाला रहता है, और इसका स्पीकॉन से लिए हैं हम लोग जो बेस का है उसका। तो टोटल वायरिंग हो गया है और इसका देख सकते हैं जैसे इनपुट्स है उसको स्टूडियो में किया क्योंकि अलग अलग चल रहा है। तो और इसका लो बेस फिल्टर का देख सकते हैं मैंने इसको रखा है 120 हर्ट्ज में, ये देख लीजिए दिख रहा होगा आप लोग को। यहाँ से थोड़ा लाइटिंग का प्रॉब्लम है यार, तो जैसे कि आप लोग अब दिख रहा होगा देख सकते हैं 120 में है, और इसका मैं रखा हूँ ऑफ, ये देख लीजिए इसका मैं ऑफ ही रखा हूँ ये। तो इसका करते हैं अपन लोग साउंड टेस्ट, फिर बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि मैं मिक्सर का इसका आपको मेरा सेटिंग भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा, जैसे ये लेफ्ट राइट है देख सकते हैं, तो इसमें आवाज़ थोड़ा एक दो पॉइंट कम लिया हूँ क्योंकि एकदम फुल करने से ही थोड़ा थोड़ा आवाज़ सब में डिस्टर्बिंग होता रहता है, तो इसको थोड़ा थोड़ा कम किया हूँ। और एक ही लीड में चला रहा हूँ फिलहाल, तो मैं इसका भी थोड़ा सा कम रखा हूँ देख सकते हैं मास्टर का। और गेन को ऐसे मैं लिया नहीं हूँ, ज़रूरत पड़ेगा तो इसको देखते हैं बीच में।
और बेस का सेटिंग आप लोग देख सकते हैं, इसको थोड़ा हाई किया हूँ और ट्रेबल का है जो बीच में रखा हूँ। तो फिर इसका स्टार्ट करते हैं अब अपन लोग साउंड टेस्ट। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो लो फ्रीक्वेंसी वाला है चैनल, इसमें का मैं मिड हाइस लिया हूँ, इसका वॉल्यूम तो फिलहाल मैं फुल ही रखा हूँ, लेकिन ये जो है ये 4K है, 4K में ही एकदम बेस्ट मिड और हाई इसमें देखने को मिल रहा है। जो ये स्टूडियो मैन का क्रॉस ओवर है SLX 10, इसमें का जो 4K में ही बेस्ट मेरे को आउटपुट मिला, इसमें चेंज कर करके भी हम लोग साउंड टेस्ट के दौरान आप लोग को दिखाऊंगा मैं। और जो लो फ्रीक्वेंसी है उसके लिए दोस्तों, इसमें देख सकते हैं जैसे 25 हर्ट्ज़ है, इसमें 63 हर्ट्ज़ में ही बेस्ट आउटपुट मिल रहा है, बेस में देखने को मिल रहा है। तो इसका फिर देखते हैं, और इसको ध्यान रखिएगा, अलग अलग फ्रीक्वेंसी दिया है लेकिन मेरे को 63 हर्ट्ज़ में ही ज़्यादा आउटपुट देखने को मिल गया। और अपना एम्पलीफायर्स में लाइट का कनेक्शन आ गया है, इसका भी चालू करो जी। इसका तो फ्रेंड्स यार, जैसा कि आप लोग ने देखा, इसमें मैं 2 सिंगल बेस यूज कर रहा हूँ लेकिन उतना मज़ेदार आउटपुट नहीं मिल रहा है। अब स्पीकर का है कि आप बहुत दिन से इसको यूज नहीं किया था तो मेरे को उतना पता नहीं चल पा रहा है। तो फिलहाल इसको सिंगल टेस्ट करके हैं, और हेडफोन का यूज कीजिएगा तभी आप लोग को अच्छा से समझ आएगा। और फिलहाल सिंगल बेस को ही अब यूज करूँगा, उसमें उतना टाइम थोड़ा मैं चेक किया था पहले तो अच्छा आउटपुट मिला, अभी तो डुअल में उतना खास नहीं मिला भाई साहब, मज़ा नहीं आया एकदम। सिंगल में टेस्ट करते हैं तो मज़ा आएगा फिर। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हो, मैं एक बॉक्स का अपना निकलवा रहा हूँ इसका केबल को, क्योंकि इसको अलग अलग टेस्ट करते हैं। हो सकता है स्पीकर का जो वायर है उल्टा हो सके जुड़ गया होगा, तो अप डाउन भी वर्क कर रहा होगा, उससे भी प्रभाव पड़ता है। इसको खोल के चेक करूँगा बाद में, फिलहाल इसका देखता हूँ मैं। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये एक ही वायर का है, अब ये वाला बेस चलेगा, ये वाला जो है उसका हम लोगों ने कनेक्शन निकाल दिया, देख सकते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो मेरा सबवूफर है, इसमें से बदबू आ रहा है, फिलहाल चल रहा है चलने के लिए, पर डर भी लग रहा है कैसे किया जाए करके। तो फिलहाल देखते हैं टेस्ट करके क्या हाल रहता है, तो इसको अब टेस्ट करके देखते हैं। इधर फिर से हम लोग वायर को चेंज कर रहे हैं इस बार, इसमें देखते हैं कैसा रहता है। तो इनपुट और आउटपुट सीधा इसको जोड़ो ना जी, इसको जोड़ो, यहाँ से इसको निकालो, पतला केबल है थोड़ा, मोटा है रहने के लिए, लेकिन उसका जब डायरेक्ट लंबा से हो जाएगा तो उसी में जोड़ते हैं फिर। तो ये अपना सिंगल ही कनेक्शन रखेंगे इस बार, ये वाला बेस को, क्योंकि ये बहुत दिन से चला भी नहीं था यार, एक टोको रिपेयरिंग किया था, वही ये नया वाला होगा शायद तक लग रहा है, अभी जो जोड़ रहे हों या पुराना वाला नहीं पता, खोल के देखने पर ना इसको पता चलेगा। तो ये अपना हो गया ज्वाइंट, फिर इसको टेस्ट करते हैं फिर से अपन लोग। ऊपर कर दो जी उसको, साउंड मत हो।
तो दोस्तों मैं थोड़ा साउंड सिस्टम से बहुत दूर आ गया हूँ, क्योंकि मेरा साउंड सिस्टम वहाँ बहुत दूर में है, देख सकते हैं। ए यहाँ पे तो वैसे मैं टेस्ट ही करने आऊँ कि इतना दूर में साउंड कैसा जनरेट कर रहा है करके, बाकी तो आप लोग कमेंट करके बता ही देंगे। उधर ही चलते हैं, देखते हैं कितना दूर से कैसा साउंड क्वालिटी जनरेट करता है। उड़ा था तो रिपेयरिंग तो हुआ था, एक कॉइल को चेंज किया था, 1000 वाट का ही है वो, मेरा कन्फर्म है, लेकिन बाकी इसको उतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया हूँ तो बहुत दिन से है, तो उसका भी हो सकता है या कुछ और इसका रहा होगा, वो उल्टा उल्टा कहीं अंदर से इसका कुछ वायरिंग होगा, दूसरे जो बाक्स है उसका तो फिक्स नहीं है। तो ऐसे इसका जो सेटअप का साउंड टेस्ट है कैसा लगा, कितना रद्दी है कि थोड़ा थोड़ा ठीक है, कि बेस का आउटपुट कैसा है देखते हैं। वैसे इसको मैं लोकल बुकिंग चलाने के लिए ही टेस्ट कर रहा हूँ, बाकी अपने पास आहूजा कैश WX2600 है, लेकिन उसमें मैं क्रॉस वायर यूज़ नहीं करता हूँ, बिना क्रॉस वायर के काम ही चल जाता है। तो फ़िलहाल बताइएगा कि इसका जो साउंड टेस्ट है कैसा लगा, और ये मशीन का वायरिंग आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा कि नहीं, और ये मशीन जो भाई यूज़ कर रहे हैं उन लोग का कैसा फीडबैक रहता है। और बाकी फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में दोस्तों, उम्मीद तो करता हूँ कि आप लोग के लिए नया नया वीडियो लाऊँ, बट इधर उधर मैं फंस जाता हूँ यार, और कई काम निकल आते हैं। तो फिर अब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, अगर अच्छा लगा होगा तो, अगर अच्छा नहीं लगा होगा तो आपका मन है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपको यूज़फुल लगे तभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वरना आप लोग का मन। तो बाय बाय दोस्तों, आई होप कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा।